हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन शेयर के बारे में। आज इसमें थोड़ा सा हमें कम रिटर्न देखने को मिला है। 8.81 इज़ द करेंट प्राइस। 52 वीक लो है 5 रुपीज़ के आसपास एंड हाई है 20 रुपीज़ के आसपास। तो फ्रेंड, अभी आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है ये शेयर। एंड अभी रिसेंटली इनकी प्रोमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है, अभी अपडेट नहीं हुई। बट फ्रेंड, गुड न्यूज़ ये है कि इनका मार्केट कैप बढ़ गया है, 828 करोड़ हो गया है, जो अभी कुछ दिनों पहले 796 करोड़ था। एंड फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग इसमें और इंटरेस्टेड हो रहे हैं, दैट्स वाई मार्केट कैप इस शेयर का बढ़ गया है। अब जानेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आपको पता होने चाहिए फॉर द नियर फ्यूचर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस बना रहा है 9.11, देन 9.34, देन 9.50 एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बना रहा है 8.72, 8.56 एंड 8.33। सो फ्रेंड्स, वॉल्यूम कैसा रहा आज के शेयर में, आज के दिन में, वो भी देखेंगे। वॉल्यूम फ्रेंड्स 13 लाख था, थोड़ा कम हो गया है फ्रेंड्स इसका वॉल्यूम। एंड रिजल्ट आ चुका है Q4 का। रिजल्ट आने के बाद फ्रेंड्स, इन्हें प्रोडक्ट एक्सीलेंस एक अवार्ड भी मिला है। एंड जस्ट उसके बाद इनकी प्रोमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हो गई है। सो फ्रेंड्स, फार्मा सेक्टर का बेस्ट पैनी स्टॉक है। 600+ प्रोडक्ट रेंज है, 15 कंट्रीज़ में ग्लोबली वर्क करता है। अभी एक पैनी स्टॉक है, बट फ्यूचर में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की फुल पोटेंशियल रखता है। बस अब आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न भी लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ये शेयर बेस्ट है। एंड फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 रुपीज़ का विद इन अ वेरी नियर फ्यूचर। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग अभी स्टिल 46% के आसपास दिख रही है, बट फ्रेंड्स ये बढ़कर 51% हो चुकी है, जो भी आपको कुछ दिनों में यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी, डेफिनेटली आपको बताऊंगी भी। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट रिजल्ट्स के बाद इनकी प्रोमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हो गई, तो और एक इनको एक अवार्ड मिल गया। तो काफ़ी अच्छा शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर है फंडामेंटली, अगर आप फ्यूचर के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई डिफरेंट अपडेट आता है डेफिनेटली बताने वाली हूँ, बट शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें 10 रुपीज़ का कंसिडर करके चलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। बट पैनी स्टॉक्स में उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है फ्रेंड्स, जितना आप रिस्क ले सकते हो। एंड अगैन थैंक्स।